आज मार्केट में एप्पल वॉच इतना सक्सेसफुल नहीं होता, पता है कैसे? अगर एप्पल की टाइमिंग सही नहीं होती और एक ऐसी कंपनी जो इनके एग्जैक्ट टक्कर में थी जिसको एप्पल ने खुद गिराया, वो इनसे आगे निकल जाती। एप्पल इज वेरी चालाक ब्रो। पेबल, इसका तो नाम भी नहीं सुना होगा ना आपने। 2012 से ही मार्केट में स्मार्ट वॉच के लिए क्रेज इन्होंने ही चालू करा। उसके बाद से इनके स्मार्ट वॉचेस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड एप्पल चुपचाप बैठ के ये सब ऑब्जर्व कर रहा था, सही टाइमिंग ढूंढ रहा था। और वो सही टाइमिंग आई 2015 में। 2015 में जब इनके पास काफी सारे आइडियाज थे एंड एक्सपेंशन प्लान थे, तो ये लोग अपने सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए गए। वहीं पे एप्पल घुसा। 2015 में एप्पल ने अपनी एप्पल वॉच लॉन्च करी। हुआ क्या, एप्पल ने जैसे अपना वॉच मार्केट में लॉन्च करा, सिर्फ कुछ ही घंटों में 1 मिलियन प्लस यूनिट सोल्ड आउट हो गए। एंड पेबल का क्या हुआ, 2016 में उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। एप्पल का ब्रांड वैल्यू था, मार्केट में ऑलरेडी जगह थी, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके एक बड़े क्राउड तक तुरंत सेल करना वॉज मच मोर इजी। इतना कि उनके कॉम्पिटिशन को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। ऐसी और कहानियां मैं आपको बताते रहूंगा, सो फॉलो मी।